मकर संक्रांति पर्व पर इंदौर टोड स्थित नवनिर्मित कॉलोनी बालाजी धाम में पतंग उत्सव मनाया गया, जहां भारतीय संस्कृति के अनुरूप उत्सव की शुरुआत गौ माता को गुड़ चना खिलाकर की गई। कार्यक्रम में महिलाओं के वुमेन्स पावर ग्रुप द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में अपने परिवार के साथ पहुंचे नगरवासियों ने घुड़सवारी, पतंगबाजी, बैलगाड़ी की सवारी सहित अन्य एक्टिविटी में हिस्सा लिया। उत्सव में शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति का स्वागत बैंड बाजे की धुन बजाकर किया गया। कार्यक्रम में पतंग उत्सव का आयोजन किया गया। इसमें सबसे ऊंची पतंग, सबसे अधिक काटने वाली पतंग और आकर्षक पतंग लाने वाले व्यक्ति को पुरस्कार दिया गया। पतंगबाजी के साथ ही गायन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें कई प्रतियोगियों ने भाग लेकर अपनी प्रस्तुति दी। मकर संक्रांति के इस कार्यक्रम में महिलाओं ने भी जमकर आनंद लिया। कार्यक्रम में महिलाओं ने एक दूसरे की पतंग उड़ाई और बैलगाड़ी का लुत्फ उठाया। वहीं लोकल को बढ़ावा देने के लिए फूड के 15 स्टॉल लगाए गए, जिसमें कई प्रकार के भोजन का लुत्फ लोगों ने उठाया। उत्सव में सेल्फी पॉइंट की व्यवस्था भी की गई। बालाजी ग्रुप के रितेश गोयल ने बताया कि उत्सव में पारंपरिक गिल्ली डंडा, सितोलिया जैसे खेल के साथ ही बैलगाड़ी की सवारी और हॉर्स राइडिंग की व्यवस्था भी की गई। मनोरंजन के लिए घोड़े, जंपिंग, झूला भी बनाया गया। कोरोना जागरूकता के लिए नृत्य और गणगौर नृत्य की प्रस्तुति भी दी गई। उसके पीछे ये है, अपन हिंदू संस्कृति जो है, सनातन धर्म जो है, उसमें कई प्रोग्राम होते थे, कई सामाजिक सांस्कृतिक जो गतिविधियाँ हैं वो विलुप्त सी हो रही थी, तो इसलिए कोरोना काल से अलग हट करके लोगों में एक नया जोश उमंग आए, इसलिए हमने यहाँ पे पतंग प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कामों का कार्यक्रम का आयोजन करा और बहुत अच्छे लोगों ने इसमें बढ़ करके भाग लिया। अपनी गाड़ी पे हॉर्स राइडिंग, महिलाओं ने अपने हाथ से जो सामान घर बनाती है उनको मंच नहीं मिलता है, उनको अपन ने यहाँ पे मंच दिया है। बहुत से सामान ऐसे जो खंडवा में ही निर्मित होते हैं, हमारी गौशाला है यहाँ पे बखड़ा है कि जहाँ पे 40 तरह के प्रोडक्ट निर्मित होते हैं, पर अभी किसी को पता नहीं था। यहाँ के माध्यम से आज कलेक्टर साहब बोल के गए हैं इन सबको हमसे जुड़वाओ, इनको अपन ऊपर तक लेते जाएंगे। यह सब महिलाओं ने अपने अपने घर से स्टॉल लगाए हैं और बहुत अच्छी रौनक है। इसके पीछे हमारा उद्देश्य यही था कि ठीक है, मैं एक व्यापारी आदमी हूँ, मेरी कॉलोनी है, यहाँ पे आने से जैसे रिएक्शन है कि मुझे बहुत फ़ायदा मिलेगा, पर ठीक है, इस शहर ने मुझे बहुत दिया है, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। ये मेरी माता जी हैं और इनका सबका आशीर्वाद है, तो मैं शहर के लिए ऐसे प्रोग्राम यदि होंगे तो आगे भी करता रहूँ, यही मेरा मन। इसके पहले भी आपने एक आयोजन किया था यहाँ पर जो कि बच्चों ने बड़ा पसंद किया था। हाँ, मध्य प्रदेश का सबसे पहला प्रोग्राम था कोरोना के बाद का, हेलन पार्टी थी जिसमें बच्चों ने अपनी थीम रखी थी, वो नाइट पार्टी डीजे पार्टी पे जो है वो लोगों के मन में, बच्चों के मन में, अभी तो बड़े घर से निकल रहे थे, बच्चे निकल नहीं रहे थे, उन लोगों ने रिक्वेस्ट की और उन्हीं की पार्टी थी, बहुत सक्सेस प्रोग्राम रहा था। कार्यक्रम में विधायक राम डांगोरे, विधायक नारायण पटेल, कलेक्टर अनय द्विवेदी, एसपी विवेक सिंह, आयुक्त हिमांशु भट्ट, परमजीत सिंह नारंग, सुनील जैन, गुरमीत सिंह ओबेजा, वुमेन्स पावर ग्रुप की महिलाएं उपस्थित हुई।